बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री जहां पैसों की खनक है, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री जहां सितारों की चमक है। लेकिन कहते हैं ना कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, वैसे ही बॉलीवुड इंडस्ट्री की चकाचौंध में बसता है अंधेरे का एक ऐसा कोना जिसमें जाकर कई सारी मशहूर खूबसूरत बॉलीवुड एक्ट्रेस कभी उजाला नहीं देख पाई। बॉलीवुड की कई सारी एक्ट्रेसेस ऐसी रहीं जो सफलता पाकर भी गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर हो गई, कभी अंडरवर्ल्ड डॉन तो कभी बॉलीवुड के माफिया, और कभी सुपरस्टारों के जंजाल में फंस कर रह गई ये हीरोइनें। आज हम आपको सुनाएंगे बॉलीवुड की वो कहानी जिसको सुनकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि इतनी दौलत शोहरत से लबालब ये बॉलीवुड इंडस्ट्री अंदर से इतनी खतरनाक क्यों है। आज बॉलीवुड में ग्लैमर भरा पड़ा है, बल्कि अगर कहें कि ग्लैमर काफ़ी हदों को पार कर चुका है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अगर बात करें 70s की तो उस वक्त में बॉलीवुड में ग्लैमर बहुत कम देखा जाता था। उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में एक हीरोइन की एंट्री होने वाली थी जो उस वक्त की बड़ी से बड़ी एक्ट्रेसेस को भी टक्कर देने वाली थी। उसकी खूबसूरती, उसका ड्रेसिंग सेंस और उसका अंदाज काफ़ी मॉडर्न था। ये एक्ट्रेस थी परवीन बाबी। एक बार फिल्म मेकर B.R. इशारा की नज़र परवीन बाबी पर पड़ी। वह उस समय सिगरेट के कश लगा रही थी। परवीन ने उस वक्त वेस्टर्न आउटफिट पहना था। उसी वक्त फिल्म मेकर B.R. इशारा ने परवीन बाबी को सिनेमा के पर्दे पर लाने का मन बना लिया। उस वक्त किसी लड़की का सिगरेट पीना और वेस्टर्न ड्रेस पहनना अनकॉमन माना जाता था। वो सूट सलवार और साड़ी का जमाना था। B.R. इशारा ने क्रिकेटर समीर दुरानी के ऑपोजिट फिल्म चरित्र में परवीन को एक मौका दिया। परवीन भाभी की ये फिल्म जरूर फ्लॉप रही पर उनकी किस्मत सुपरहिट हो गई। परवीन भाभी को इसके बाद एक के बाद एक फिल्म में मिलती गई। परवीन भाभी को अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार में एक रोल मिला था। उसके बाद परवीन भाभी ने कई सारी फिल्में अमिताभ बच्चन के साथ की जिसमें 8 से 10 फिल्में हिट और सुपरहिट रही। परवीन बाबी का वेस्टर्न ड्रेसिंग सेंस और ग्लैमरस लुक लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा था। टाइम मैगजीन ने इससे पहले किसी भी इंडियन एक्ट्रेस को अपने कवर पेज पर नहीं छापा था, पर वो परवीन बाबी की खूबसूरती और बॉलीवुड में उनकी सफलता को इग्नोर नहीं कर पाए। परवीन बाबी की जिंदगी में पहला प्यार डैनी डेंजोंगपा के रूप में आया। परवीन बाबी और डैनी की लव लाइफ 4 साल तक चली। उसके बाद परवीन बाबी की जिंदगी में कबीर बेदी ने एंट्री मारी। कहते हैं परवीन बाबी का आखिरी प्यार महेश भट्ट थे। परवीन बाबी की जिंदगी में आए ये तीनों लोग शादीशुदा थे। परवीन बाबी ने सक्सेस तो बहुत देखी, लेकिन मीडिया खबरों की माने तो उनको प्यार में कामयाबी नहीं मिल पाई। सिगरेट, शराब और अकेलापन और ये दर्द, ये सब चीज़ें परवीन बाबी की जिंदगी का हिस्सा बन गई। इतना ही नहीं, परवीन बाबी सिज़ोफ्रेनिया से भी पीड़ित थी। ये एक मानसिक रोग है जिसमें रोगी को लगता है कि हर कोई उसे मारना चाहता है। परवीन बाबी अपने खाने को पहले किसी और को टेस्ट करवाती थी। परवीन बाबी को शक था कि कोई उन्हें खाने में जहर देकर उन्हें मारना चाहता है। परवीन बाबी महेश भट्ट से लेकर कबीर बेदी सबको शक की नज़र से देखती थी। यहाँ तक कि परवीन बाबी ने अमिताभ बच्चन तक पे आरोप लगाए थे कि अमिताभ बच्चन उन्हें मारना चाहते हैं। धीरे धीरे परवीन बाबी की हालत इतनी ख़राब हो गई और वो इस कदर अकेली हो गई कि 22 जनवरी 2005 को मुंबई के जुहू स्थित फ्लैट में वो मृत पाई गई। ये भी बताया जाता है कि उनकी मौत 20 जनवरी को ही हो गई थी। परवीन के घर के बाहर दूध के पैकेट और अखबार 2 दिनों से बाहर ही पड़े थे। ना तो उन दूध के पैकेट और अखबार को कोई उठाने वाला था और ना ही अंदर मरी पड़ी परवीन भाभी को। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती थी, बदले में मुझे क्या मिला? तुमसे प्यार करने का सिला मुझे गालियां, प्रताड़ना और बेरुखी के रूप में मिला। बावजूद इसके मैं सब सहती रही तुमसे प्यार जो किया था, पर बदले में तुमने क्या दिया? बेवफाई, बेरुखी और रुसवाई। जहां तुम्हारी दुनिया पार्टियों और हसीन लड़कियों की आगोश तक सीमित थी, वहीं मुझे अपने काम से लगाव था। मेरी जिंदगी में तो केवल तुम ही थे और मेरा कैरियर, मगर अब मैं ऐसे घुट घुट कर और नहीं जी सकती। मैं अपने 10 साल के करियर को अलविदा कहते हुए
इस दुनिया से दूर जा रही हूँ। जब तुम इसे पढ़ोगे तब तक शायद मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। कुछ इस तरह बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान ने अपने 6 पन्नों के आखिरी खत में अपनी दास्तान बयां की थी। 25 साल की एक खूबसूरत एक्ट्रेस जिसने अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार तक के साथ काम किया, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा? क्या हुआ था 3 जून 2013 की रात को? TV9 की एक रिपोर्ट के अनुसार 3 जून की रात जिया खान और सूरज पंचोली को मिलना था। जिया को सूरज को बताना था कि उन्हें 3 बड़ी फिल्मों में काम मिल गया है। जिया ने सूरज को SMS भेजा कि मिलते हैं, लेकिन सूरज ने कहा कि वो बिजी हैं। जिया को कई दिनों से सूरज पंचोली की वफादारी पर शक था। जिया खान को लगता था कि सूरज उनके अलावा भी कई लड़कियों से अफेयर रखते हैं। जिया खान उस रात जुहू से वर्सोवा सूरज के घर भी गई थी, लेकिन सूरज उन्हें वहां भी नहीं मिले। इस बीच SMS पर इन दोनों का झगड़ा चलता गया, बात गर्माती गई। 10:53 पर जिया ने सूरज से आखिरी बार बात की थी। इसके बाद जिया ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 11 जून को इस मामले में सूरज की गिरफ्तारी हुई। सूरज को 20 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। इसके बाद 1 जुलाई को उन्हें जमानत मिली और 2 जुलाई को सूरज पर लगे सारे आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन जिया खान की मां राविया ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस केस की CBI की जांच की मांग की और मुंबई पुलिस ने इस केस को CBI को सौंप दिया। उसके बाद भी इस केस में कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाया। इसके बाद साल 2022 में जिया खान की मां ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक बार फिर से पेटिशन फाइल की थी। उनका मानना था कि एक बार और CBI को जिया के केस में कुछ जांच करनी चाहिए, पर कोर्ट ने दोबारा जांच होने पर अपनी असहमति जताई थी और इस तरह एक और एक्ट्रेस दुनिया से अलविदा हो गई। ये बॉलीवुड की दुनिया है ही ऐसी। ऐसी और भी कई कहानियां हैं जहां पर कामयाबी चूमती एक्ट्रेसेस को गुमनामी की जिंदगी जीने के लिए या फिर अपनी जिंदगी को अपने हाथों से जुदा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाकी कहानियां सुनाएंगे हम आपको इस वीडियो के Part 2 में। स्टोरी बाबा चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।